अब किसी पे विश्वास ही नहीं रह गया दोस्तों। आज इतना मन भ्रमित है, समझ में नहीं आ रहा किसके ऊपर विश्वास करें किसके ऊपर नहीं करें दोस्तों, क्योंकि भाई बन गया पति। सोचने वाली बात है दोस्तों कि भाई बना पति, वही भाई राखी बंधवाया और वही भाई बताओ उसी हाथ से उसने मांग भर दिया। सोचने वाली बात है दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे दोस्तों। मैं हूँ महिमा सिंह, मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब महिमा ब्लॉग चैनल में दोस्तों। दोस्तों आप लोग मालती चौहान को तो जानते ही होंगे, विष्णु राज को कौन ऐसा है कि जो नहीं जानता, काफ़ी ट्रेंड और फेमस में है दोस्तों। लेकिन जितना फेमस ये लोग हैं उतना फेमस इन लोगों ने काम कर दिया दोस्तों, कि एक पति ही अपने पत्नी की दूसरे लड़के के साथ शादी करा देता है। सोचने वाली बात है, कैसा वो पति था कि अपने ही आँख के सामने अपने बीवी को अपने नज़रों से दूर कर दिया, और कैसी वो बीवी थी कि अपने ही पति के सामने किसी और से शादी रचा लिया। क्या उसके दिल में कोई फीलिंग जज्बात नहीं थी दोस्तों? ये वो भी एक बेटा है उनके पास युवराज, जो कि जान छिड़कते थे ये लोग, कैसे हो गया? मतलब ये सोचने की बात है कि उनको क्या जरा सा भी बुरा नहीं लगा या अटपटा नहीं लगा, या अपने रिश्ते को कलंकित करने में बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं किया उन लोगों ने? क्या दोस्तों आप लोग बताइए, सही हुआ जो भी हुआ? क्या सही हुआ? क्या ऐसे ही करना चाहिए? क्या ये गलत नहीं है दोस्तों? दोस्तों अभी परसों से देख रहे हैं गोरखपुरिया भौजी काफ़ी परेशान हैं उनके लिए, और सब काम काज अपना छोड़ के उन्हीं के लिए परेशान हैं, उन्हीं का साथ सपोर्ट कर रही हैं, और साथ भी जितना उनको हुआ उन्होंने दिया, अपना काम काज छोड़ के इन लोग के साथ घूमी। लेकिन वो बन गई बेवकूफ़। ऐसे लोगों का मदद करने से दोस्तों दुनिया कतराती है, बताइए। इतना मदद करने के बाद माथे पे उनके कलंक लग गया कि गोरखपुरिया भौजी ड्रामे में शामिल है, बताइए। ऐसे बताइए इंसान को कैसे इंसान मदद करे, बताए। फिर मदद नहीं करता, फिर ये होता है अरे वो लोग बड़े लोग हैं मदद नहीं करते। आज के ज़माने में मदद करना भी दोस्तों गुनाह है। मदद की, उनके माथे पे कलंक लग गया, अब वो चले कोर्ट कचहरी का चक्कर काटे। उनकी भी तो तीन तीन बेटियां हैं, क्या उनके घर में और कोई काम नहीं है? हाँ, पहले रिकॉर्डिंग वीडियो ये सुनने में आ रहा था कि भाई विष्णु राज का सारा गलती है, और गोरखपुरिया भौजी पूरी सच्चाई तो जानती नहीं होंगी बेचारी, नहीं तो ऐसा साथ तो देती नहीं है। और वो ये सोच रही थी कि उनकी आदमी का गलती है इसलिए उनका साथ सपोर्ट दे रही थी, और मालती चौहान का साथ दे रही थी और उनके खिलाफ जा रही थी विष्णु राज के, कि नहीं विष्णु राज गलत हैं। लेकिन अब वही मालती चौहान शादी कर ली हैं अर्जुन से, तो बताइए मालती चौहान गलत है कि विष्णु राज गलत है? विष्णु राज यहाँ गलत है कि अपने आंखों के सामने किसी और से शादी होने दिया और उन्होंने स्वयं करवाया, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए उनको। अगर वो उनसे नहीं समझ रहा था और समझा पा रहे थे, अपनी बीवी को नहीं संभाल पा रहे थे, तो इनको पुलिस का मदद लेना चाहिए, प्रशासन है इन सब चीज़ों के लिए। तो इन्होंने किसी से कोई जिक्र न करके शादी करा दिया, सोशल मीडिया पे गंद फैला दिया दोस्तों। और ऐसी औरतें जो होंगी उनको बढ़ावा मिल गया है दोस्तों, और अगर कोई और भी औरत होगी तो उसका भी मन ऐसे ही बहकेगा, और वो भी ऐसे करेगी, अपने पति को धोखा देके किसी और से शादी कर लेगी, चली जाएगी, जो कि ये गलत है दोस्तों। तो आप लोग इस पे आवाज़ उठाइए दोस्तों, नहीं तो पता नहीं कितनी ऐसी बहू बेटी हैं जो अपने घर में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे और वीडियोस नहीं बना पाएंगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है अच्छी तरीके से कि अगर ऐसे सबके साथ होगा तो कोई भी अपने बहू बेटी को बढ़ावा नहीं देगा वीडियो शूट करने के लिए, और ये गलत है। अभी तो आप लोग बताइए दोस्तों क्या सही है और क्या गलत है दोस्तों। मेरे हिसाब से तो आप लोग अगर एकजुट होकर काम करेंगे और सलाह मशवरा देंगे तो थोड़ा सा सुधार होगा दुनिया में, जो कि जो भी अभी चल रहा है दोस्तों बहुत ही घटिया और बहुत ही गलत चल रहा है दोस्तों। मेरा सलाह तो बहुत यही है कि भाई आप लोग उसका सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाइए। अभी ये जो वीडियो देखा है पैरों तले ज़मीन खिसक गया, बताइए। कल कुछ और था दोस्तों, आज कुछ रात भर में कुछ और बदल गया। अभी कल वो वीडियो हम देखे थे कि वो वीडियो बना रही थी कि अभी हमें कोर्ट जाना है, कचहरी जाना है, हमको ऐसे नहीं ऐसे करना है उनके खिलाफ। लेकिन आज ऐसा टाइम आया कि वो जिनको अपने घर में रख रखी थी उन्हीं के खिलाफ उनको जाना पड़ेगा, उनके अगेंस्ट उनको आवाज़ उठाना पड़ेगा, और पुलिस प्रशासन का उनको सहारा लेना पड़ेगा दोस्तों। तो आप लोग ही बताइए कि इन लोगों को क्या करना चाहिए। पहले तो या तो फिर अगर उनके मन में प्यार का कुछ मतलब ऐसे फीलिंग था तो उनको राखी नहीं बांधना चाहिए, उसको भाई नहीं समझना चाहिए, बताइए। रिश्ते को कलंकित कर दिया कि नहीं कर दिया? अब अगर कोई अपने भाई बहन का रिश्ता बताएगा तो सब लोग वही नाम रखेंगे कि ये देखो भाई बहन बने थे, शादी कर लिए, तुम्हारा भी कहीं ऐसा रिश्ता ना हो।
ये रिश्ता इतना पवित्र अनमोल होता है दोस्तों की कहने की बात नहीं। हम जब से यूट्यूब पे आए हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगे हैं, पता नहीं कितने ऐसे जानने वाले हैं, सबको हम भैया ही बोलते हैं, वो दीदी ही बोलते हैं, हमारे लोग का रिश्ता ऐसा है। लेकिन अभी तो हम लोग को परमिशन मिला है कि कोई बात नहीं, नंबर रखो, बात करो, कोई भी है उसे समझो। लेकिन ये सारी वीडियोज़ देख के तो हम लोग के भी घर वाले बोलेंगे ना कि ऐसे हो रखा है, मतलब कुछ दिन बाद तुमने भैया बताया, हाथ में राखी भी बांध दी, कुछ दिन बाद तुम सैया बना के शादी कर ली, तो क्या है, गलत नहीं है दोस्तों? तो हम लोग का ऊपर से हमारे हस्बैंड लोग का विश्वास उठ जाएगा ना अगर ऐसे ही सोशल मीडिया पे चलता रहा तो। सोशल मीडिया कोई दाल चावल भात थोड़ी ना है कि बस खाया और वो कर लिया, बहुत कुछ सोच समझ के वीडियो हमें डालने पड़ते हैं। अपने घर की भी बहुत सारी ऐसी बातें होती जो हम लोग सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं, जता नहीं सकते हैं, हैं? आप बताइए क्या इस तरह करना चाहिए, इस तरह की सोच रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है दोस्तों। हम लोग के साथ भी ऐसा ही हो जाएगा दोस्तों। हम लोग तो बहुत मतलब इस चीज़ से डरते हैं, कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा दोस्तों हम लोग को भी। कैसा का वो बदतमीज लड़का था कि चलो उसके मन में जो आया सो आया, लेकिन वो कैसे हाथ थाम लिया उसका, ये बात नहीं समझ में आया। उसकी एक बेटा है, उसका पति है, उसका घर है, परिवार है, सोशल मीडिया से एक्टिव है, कोई ऐसा नहीं चार दीवारी में है कोई इसको जानता नहीं है। आज की डेट में छोटा छोटा बच्चा जानता है मालती चौहान को। हम लोग की बात छोड़ दो, कौन नहीं जानता? और अपनी पहचान बनाने में तुम लोग इतना टाइम लगा दिए, और पहचान मिटाने में दोस्तों मतलब टाइम ही नहीं लगा इन लोगों ने। अपनी इज्जत के बारे में जरा भी नहीं सोचे, अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचे, ना तो रिश्तेदार के बारे में नहीं सोचे, जो मन में आया सो कर दिया। एक बार भी आगे पीछे नहीं सोचा कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता होगा और क्या नहीं सोचता होगा। इतने घटिया इंसान कैसे हो सकते हैं दोस्तों, बताओ? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। ये वीडियो देख के तो सच में दिमाग ही नहीं काम कर रहा, दिमाग वजह से हैंग हो गया है। ऐसे इंसान मिले तो फाड़ के फेंक दें, इससे अच्छा तो अकेले रहें तो सही है। अरे तुम सोशल मीडिया पे थे, तुम्हारा पति तुमको मानता नहीं था, मारता था, पीटता था, सोशल मीडिया से तुम कमा सकती थी, खा सकती थी, अपना पेट पालन कर सकती थी। ऐसा नहीं कि तुम लावारिस हो, तुमको कोई एक रोटी देने वाला नहीं है या तुम कुछ नहीं हो, तुम खुद पर डिपेंड हो, तुम कमा खा सकती थी, तुम कुछ कर सकती थी अपने लिए, ऐसा नहीं है। पता नहीं कितनी ऐसी औरतें सोशल मीडिया पर ऐसी हैं, लाचार हैं, विवश हैं, फिर भी ऐसा कदम नहीं उठाती हैं। वो अपने हक के लिए लड़ती हैं, कमाती हैं, खाती हैं, अपने पैर पे खड़ी होती हैं। तुम सच्ची औरत तब कहलाती जब अपने पैर पे खड़ी थी और अकेली भी खड़ी होकर दिखाती जिंदगी भर, तब आपके सब गुणगान गाते कि हाँ देखो औरत, मिसाल दिया करते सब आपका कि देखो औरत होनी चाहिए तो उसके जैसा, वो है सच्ची औरत। लेकिन तुमने तो ऐसा कर दिया कि जो अच्छी औरत है उसके भी माथे पे धब्बा लगा दिया और कलंक लगा दिया। नया नया ड्रामा देख के कोई कहता है मैं यहाँ जा रही हूँ उससे मिलने, कोई भाग जाता है, कोई शादी कर लेता है, कोई किसी के साथ अफेयर कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस लाइन में आके। तो चलो दोस्तों, मेरा वीडियो यहीं तक का था और वीडियो को करती हूँ एंड। दोस्तों मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, मैं क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, अपने घरों में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी आप लोग को हमेशा खुश रखें दोस्तों।